सो गाइस सैमसंग एक नया फोन लाने वाला है सैमसंग का M51 765G प्रोसेसर के साथ में। माइक्रोसॉफ्ट भी अपना सर्फेस डुओ लाने वाला है, दो स्क्रीन वाला फोल्ड होने वाला स्मार्टफोन, वो भी एंड्रॉइड बेस्ड। और भी बहुत सारी एक्साइटिंग टेक न्यूज है आज के TTS के एपिसोड में। सो हे व्हाट्स अप गाइस, माय नेम इज ज़हीर एंड वेलकम टू द एपिसोड 30 ऑफ TTS टेक न्यूज। सो लेट्स बिगिन। तो TTS का मतलब ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे मैं आप लोगों के लिए एकदम कंसाइज मैनर में टेक न्यूज़ ला के देता हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन सब्सक्राइब गाइस। अगर मैं आज आपको बताऊँ तो हम लोगों ने 30 एपिसोड पूरा कर दिया, 30 एपिसोड्स, जस्ट इमेजिन TTS के। और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, इतना प्यार देने के लिए शुक्रिया आपका। अभी उसी बहाने इस वीडियो को मैं एक लाइक का टारगेट भी देता हूँ, तो ये वीडियो है जो गाइस इसको 1000 लाइक पहुँचा दो तो मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा नहीं। सो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी अदर न्यूज़। सो अदर न्यूज़ में बहुत सारी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि PUBG जो है वो इंडिपेंडेंट डे चैलेंज लेके आया, मतलब जो 15 अगस्त आने वाला, तो उसके लिए इंडिया के लिए भाई ताजमहल वगैरह का आप सब जगह ऐड कर दिया है, और भी बहुत सारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में वो सारी जगह ऐड करके बोला PUBG इंडिपेंडेंट डे चैलेंज। अगर आप PUBG खेलते हो तो आप लोग डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद गई एक ऐसी खबर आ रही है कि जो TikTok है ना वो आपका मैक एड्रेस कलेक्ट करता था। मैक एड्रेस क्या होता मालूम है? जो आपका फ़ोन होता है ना उसका एक आइडेंटिफाई मतलब कोड होता है, जैसे आपका नाम है, लेकिन बहुत सारे लोग का सेम नाम होता है, लेकिन मैक एड्रेस सब फ़ोन का यूनिक होता है। वो आपके फ़ोन का मैक एड्रेस भी कलेक्ट कर रहा था जब ये इन्वेस्टिगेशन चालू है US की, जो उसमें पता चला, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बुरा, मतलब गूगल ने तो ये एक्टिविटी ही बैन करके रखी है मैक एड्रेस कलेक्ट करने वाली, बट TikTok कर रहा था। अभी देखो TikTok के साथ में क्या होता है, बहुत सारी जगह पे तो बैन होने वाला है, देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं। इंडिया में तो ऑलरेडी बैन है। लेकिन उसके बाद गाइस न्यूज़ ये है कि Miui 12 का स्टेबल अपडेट आ गया इंडिया में, बहुत सारे फ़ोन में रोल आउट होना चालू हो गया। सबसे पहले तो उसमें अपना Mi 10 जो था सबसे महंगा वाला फ़ोन उसमें आ चुका है, उसमें आ रहा है बेसिकली, और भी बहुत सारे फ़ोन में आ रहा है। तो इफ़ यू आर यूजिंग Mi का फ़ोन देन गाइज, और Mi की बात कर ही रहा हूँ गाइज, Mi का जो कल इवेंट था उसमें Mi TV LUX करके एक TV निकाला इन लोग ने। अब वो ऐसा TV है बेसिकली, एकदम लग्जरी TV, एकदम खतरनाक वाला, लेकिन उसकी सबसे खास बात क्या मालूम है? वो ट्रांसपेरेंट है आगे से पीछे, मतलब TV के आर पार दिखता है आपको। अगर आप अपने दीवार के पास लगाओगे ना, सामने बालकनी है तो भाई आर पार दिखेगा। उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा भलता है, जैसे दुकान उकान में लगाने के लिए ज़्यादा बेटर है, समझ लो ऐसा। तो ठीक है, मतलब अब लक्स TV है, लग्जरी TV है, तो चलो ठीक है जो भी है। वैसे इंडिया में तो आने से रहा, चाइना में ही रहेगा तो फिर उसके बारे में ज़्यादा सोच के मतलब नहीं है। उसके बाद गाइस गूगल ने एक बात बोला कि मतलब जो एंड्रॉयड फ़ोन्स है उनका जो एक्सेलरोमीटर है उसकी हेल्प की मदद से, मतलब दुनिया में बहुत सारे गूगल के एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उन सब की हेल्प की मदद से हम लोग ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्थक्वेक नापने का, मतलब या फिर डिटेक्ट करने का एक नेटवर्क बना सकते हैं। उससे बहुत ही एक्यूरेटली अर्थक्वेक हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी इतना सारा डेटा ले रहे हैं, अभी कितना डेटा लेंगे भाई। सो गाइस ये थी सारी अदर न्यूज़। अभी हम लोग स्मार्टफोन की न्यूज़ की तरफ बढ़े, तो यहाँ पर भी कुछ अच्छी अच्छी न्यूज़ है। सबसे पहली न्यूज़ तो ये है गाइस, थोड़े बहुत न्यू स्मार्टफोन्स आने वाले नोकिया की तरफ से। अब भाई अच्छे रहेंगे कुछ तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा उसके बारे में, अभी तो उसकी ज़्यादा कंफर्मेशन है नहीं, बस ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ स्मार्टफोन नोकिया लाने वाला है, तो लेट्स सी आएगा तो फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा। उसके बाद सबसे बड़ी खबर तो ये है कि भाई सैमसंग का M51 आने वाला है। अभी जो M51 है ना गाइज, आपको पता ही है सैमसंग का डिस्प्ले वगैरह में तो भाई बाप होता है। अभी सुपर एमोलेड के साथ में आएगा डेफिनेटली, ऐसा तो मुझे लगता है। जब M31 सुपर एमोलेड के साथ में आया तो वो भी सुपर एमोलेड के साथ में आएगा, बट इसके अंदर हमें एक्जीनोस का प्रोसेसर नहीं मिलेगा, इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 765G मिलेगा, समझ रहे हो, जो OnePlus Nord में आता है। अगर ये फ़ोन 20,000 के आसपास आया तो सोचो क्या अंगार लगाएगा मार्केट में, और लेकिन वो लेवल की मार्केटिंग कर नहीं पा रहा, जैसे मतलब अब भाई OnePlus की मार्केटिंग बाप होती है, समझ रहे हो ना। लेकिन अगर ये 765G और थोड़ी अच्छी मार्केटिंग किया तो भाई मचा डालेगा, समझ लो मार्केट में। अभी जो सैमसंग है उसका भी UI काफ़ी अच्छा होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात पता है उसके अंदर 7000 mAh बैटरी होने वाली, कितनी 7000, तो पूरा पावर बैंक लेके घूमेंगे अब 7000 mAh बैटरी। तो लेट्स सी, देखते हैं अभी हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले वगैरह रहेगा या नहीं रहेगा, वो सब कुछ अभी आइडिया नहीं है, कुछ टाइम रुको, उसके बारे में जैसी न्यूज़ आएगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। सो क्या उसके बाद गई एक न्यूज़ ये है, जो ZTE है उसका एक नया फ़ोन आने वाला है, वो भी अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ में। अब मतलब बहुत टाइम पहले ही बहुत सारे स्मार्टफोन कंपनीज ने अंडर डिस्प्ले कैमरा का टैग जो है वो अनवील किया था, लेकिन किसी ने अभी तक के पब्लिक के लिए नहीं लाया, ये ZTE पहले लाने वाला है। लेट्स सी, देखते कुछ टाइम में आएगा तो उसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको अपडेट करते रहूँगा, कैसा चलता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। उसके बाद गई अगर मैं बात करूं तो Realme का दो नया फोन आने वाला है, C12 एंड C15, G35 और P35 के साथ में। भाई मतलब सस्ते फोन है बेसिकली,
तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सस्ता सस्ता फ़ोन देन यू कैन डेफिनेटली, मतलब हर एक प्राइस कैटेगरी में रियलमी फ़ोन निकाल रहा है अभी, देखते पहले लॉन्च होने दो, 18 तारीख को शायद इसका लॉन्च है, उसके बाद मैं डेफिनेटली इसके बारे में आपको सारी डिटेल दूंगा, सो स्टे ट्यून। उसके बाद गाइस इन्फिनिक्स ने एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया है, इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 करके। अब ये काफ़ी सस्ता फ़ोन होने वाला है, ये एंड्रॉयड गो सॉफ्टवेयर पे चलने वाला है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब थोड़ा लाइट रहेगा बेसिकली। तो अगर सस्ता हार्डवेयर भी देंगे ना तो ऐसा लाइट ओएस देंगे तो भाई अच्छे से चल जाएगा। तो देखते हैं आने के बाद ही, मतलब प्रॉपरली अगर मेरे पास आया फ़ोन तो मैं आपको उसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा। उसके बाद गाइस मोटोरोला है ना, मोटोरोला रेजर 2 लॉन्च करना ना, जो रेजर आया था सबसे पहले वो फ्लिप वाला, बीच में से डिस्प्ले मुड़ जाती थी वो वाला फ़ोन आया था ना, सब भूल गए भाई उसके बारे में। तो भाई तो उसका सेकंड इटरेशन आने वाला है, इसके अंदर 765G प्रोसेसर होने वाला, 5G होगा, लेट्स सी आने के बाद ही सब उसके बारे में मालूम पड़ेगा। भाई थोड़ा बहुत प्राइस के ऊपर काम करेगा मोटोरोला भाई तो मचा सकता है। वैसे 1 लाख का फ़ोन ज़्यादातर लोग तो लेते नहीं हैं, लेकिन अभी आने के बाद तो पता चलेगा क्या है क्या नहीं। कल जो इवेंट था उसमें MI ने MI 10 Ultra एक नया फ़ोन लॉन्च किया, और K30 Ultra भी एक नया फ़ोन लॉन्च किया। जो MI 10 Ultra वो 865 के साथ में आता है, उसमें एड्रिनो का GPU है, और उसके अंदर एक बहुत ही ऑसम फीचर है वो जो फ़ोन है ना उसके अंदर गाइज, हम लोग जो एड्रिनो का एक टूल आता है, मतलब कोई भी GPU अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपको पता रहेगा, जो पर्टिकुलर हार्डवेयर होता है GPU होता है उसका ड्राइवर आता है, उससे उसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है बेसिकली। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप जो GPU है ना उसकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, उसको ओवरक्लॉक कर सकते हो, अंडरक्लॉक कर सकते हो, उसका फ़ैन का बहुत सारी चीज़ें उसके कंट्रोल कर सकते हो, तुम FPS वगैरह देख सकते हो। तो ऐसा कुछ सिमिलरली एड्रिनो भी निकाल रहा है, मतलब एड्रिनो के लिए क्वालकॉम निकाल रहा है, तो वो टूल उसके अंदर प्रेजेंट है। अगर वो प्रॉपरली अगर काम किया तो भाई मज़ा आ जाएगा, समझ रहे हो। जो स्पेशली बहुत ज़्यादा डीप है गेमिंग वगैरह में उनके लिए तो भाई वरदान होगा, समझ रहे हो। प्रॉपरली एक अपना GPU वगैरह का सारी चीज़ें सेट कर सकते हैं, सब टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, लेट्स सी देखते क्या हो रहा है भाई। और K30 Ultra के बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, कुछ 20-25 हज़ार रुपये के रेंज में इन लोग डायमेंसिटी 1000 प्लस प्रोसेसर के साथ में, बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है। लेकिन जैसे मैंने लास्ट न्यूज़ में बनाया था कि पोको का फ़ोन बन के आ सकता है पोको F2, बट ऐसा कुछ खबर कंफर्म नहीं है, लेट्स सी। कुछ टाइम में जैसा भी उसके बारे में खबर आएगी मैं आप लोगों को डेफिनेटली अपडेट करता रहूँगा। अभी गैजेट्स की बात करूँ तो आज भी कोई भी गैजेट्स की न्यूज़ नहीं है। अभी PC वर्ल्ड की तरफ बढ़े तो PC वर्ल्ड में सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि गाइज शाओमी है ना वो एक नया लैपटॉप लेके आ रहा है, रेडमी G बुक करके, मतलब गेमिंग लैपटॉप होने वाला है। लेट्स सी भाई, अभी इंडिया में तो लाएगा नहीं, पहले चाइना में ही आने वाला, तो लाइक देखते क्या है भाई गेमिंग लैपटॉप शाओमी की तरफ से। थोड़ा थर्मल्स वगैरह पे काम करें ना, अभी देखो जो दूसरी कंपनियां होती हैं गेमिंग लैपटॉप वगैरह बनाने में उन लोग पहले से ही काम करें, तो वो थर्मल में अपने आप को इम्प्रूव कर चुके हैं। थर्मल में बहुत तकलीफ होती भाई, अभी एप्पल ने जो 16 इंच वाला निकाला तो उसने थर्मल जो एफिशिएंसी उसने इम्प्रूव किया, तो उसके वजह से उसका 16 इंच वाला लैपटॉप हिट हुआ है। अभी उसके बाद गाइस माइक्रोसॉफ्ट का एक फ़ोन आने वाला है, फ़ोन नहीं बेसिकली डुओ, सरफेस डुओ करके है वो, दो स्क्रीन वाला भलता सा टैबलेट है, फ़ोन है क्या है, एंड्रॉयड पे बेस्ड है, दो स्क्रीन है अलग अलग, मतलब चिटकी भी स्क्रीन नहीं है, एक ही स्क्रीन नहीं है, अलग अलग स्क्रीन है लेकिन फोल्ड होती है बीच में, और हाँ मतलब भलता सा कुछ कॉन्सेप्ट है। जब ही वो लॉन्च होगा तो उसके बारे में प्रॉपर डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। है ठीक है, मतलब देखने में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, अभी एंड्रॉयड पे बेस्ड है, देखते आने के बाद प्रॉपरली उसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो बस आज की न्यूज़ इतनी ही थी गाइज, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी, और गाइज अगर पसंद आई ये वीडियो तो आज का जो वीडियो का लाइक का टारगेट है 1000 लाइक्स, उसको पूरा करो, और गाइज मेरा चैनल पसंद आता तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के आइकन को भी दबा दो ताकि फ्यूचर में अमेजिंग क्वालिटी की टेक वीडियो तो आप लोग को मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।